Okay, so let's learn the next rule of differentiation. So we have what's called the chain rule of differentiation. इसको chain rule नाम क्यों है? Because आपके पास let's say chain of function है. Chain of function मतलब composite function basically. Composite function कैसा होता है? F of g of h इस तरह का कोई function. इसको हम लोग बोलते हैं composite function. ठीक है? Composite function. This is basically a chain है. तो F g to h एक chain बन रहा है ना? तो इसीलिए इसको हम चेन इसके डिफरेंशिएशन के रूल को हम चेन रूल बोलते हैं. अब इसको डिफरेंशिएट करने में सबसे पहले एक बात समझो कि किसी कोई फंक्शन है, मान लो आपके पास y इक्वल्स टू एफ एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आपका जो डोमेन है वो है x. दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस जो वैल्यू एफ एक्स देगा आपको वो होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, ये होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. अभी नाम क्यों है ऐसा? सबसे पहले ये समझो कि ऐसा नाम क्यों है. बिकॉज कि जो फंक्शन एफ है वो जो भी वैल्यू देगा वो डिपेंड करेगा एक्स के वैल्यू पे. एक्स के वैल्यू को आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो. द एक्स कैन बी चोजन टू बी एनी नंबर आउट ऑफ द सेट ऑफ डोमेन. तो इसीलिए x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x आपके हाथ में है. ठीक है, लेकिन f का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? द वैल्यू ऑफ x विच इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज अप टू यू. व्हाट वैल्यू यू चूज फॉर x. ठीक है, आप किस वैल्यू, मान लो कि डोमेन के अंदर कुछ नंबर्स हैं, मान लो ऑल रियल नंबर्स इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन. अब ऑल रियल नंबर्स में से जो भी नंबर आप चुनोगे, मान लो 1, 2, 3 कुछ भी आप चुनोगे, तो उसके हिसाब से फंक्शन आपको एक वैल्यू देगा. तो जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चूज क्या करते हो, किस पॉइंट पे आपको वैल्यू चाहिए. एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे f को आप f का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं, या फिर उसको उसको y, बेसिकली वो y ही है ना, वो y ही है. तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. देन वन लाइन इसे कि x जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर y इक्वल टू fx लिख रहे हैं तो y इक्वल टू fx में x जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, ये वेरिएबल है और ये. अब ये कहानी क्यों बताएं? ये कहानी इसलिए बताएं क्योंकि जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी फंक्शन का, जैसे y इक्वल्स टू fx का ले रहे हैं, तो हम ऑलवेज डेरिवेटिव जो लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, dy dx. जिस पे कोई फंक्शन डिपेंड कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में ना हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. मान लो ये एक एक्स एक डेरिवेटिव है, एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन कोई फंक्शन है जो एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो उसका डेरिवेटिव हम एक्स के साथ थोड़ी निकाल सकते हैं. अगर निकालेंगे फिर तो क्या आएगा? जीरो आएगा. वो डिपेंड ही नहीं करता उस पर, तो उसका डेरिवेटिव कहाँ से निकलेगा, है ना? तो इसीलिए जो सबसे सेंट्रल चीज है समझने का कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी फंक्शन का, दैट डेरिवेटिव इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स. ठीक है, यानी कि y का वैल्यू जिस भी वेरिएबल पे डिपेंड करेगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव लेना है और ले सकते हैं. ओके, नाउ कम बैक टू दिस composite function. So y is equals to f of g of h of x. अब ये देखो कि f of x तो है नहीं है, simply f of x नहीं है. Like f of क्या है? g of h of x है. Now g of h of x एक complete जो function है basically, वो function f का domain बन गया है यहाँ पे. ठीक है, तो f का जब भी हम derivative लेंगे तो x के respect में derivative सीधा सीधा नहीं ले सकते हम, बिकॉज x पे सीधा सीधा वो डिपेंड ही नहीं कर रहा. h जो है x पे डिपेंड कर रहा है, g जो है h पे डिपेंड कर रहा है, और f इन टर्न g पे डिपेंड कर रहा है. तो f एक तरह से x पे डिपेंड तो कर रहा है पर इम्प्लिसिटली डिपेंड कर रहा है. डायरेक्टली वो किस पे डिपेंड कर रहा है? g पे.
तो जब भी हम डिफाइन करेंगे डी ऑफ वाई, यानी वाई इक्वल टू एफ है बेसिकली, वाई इक्वल टू एफ है, वाई इज द फंक्शन एफ, ठीक है, तो डी वाई जब भी डिफाइन करेंगे हम, हमें डी नेचुरली डी जी के साथ करना चाहिए, बिकॉज जी इज द फंक्शन ऑन विच, मतलब जी इज द वेरिएबल, जी द वैल्यू ऑफ जी इज द वेरिएबल ऑन विच द वैल्यू ऑफ एफ डिपेंड्स, देयरफॉर डी वाई डी जी डिफाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एफ इज द मेन फंक्शन हियर, डी वाई डी जी बोलो या डी एफ डी जी बोलो, इस फंक्शन में डी एफ डी जी इज द नेचुरली इज द नेचुरल वे ऑफ डिफाइनिंग द डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसी तरह से अगर हमें g का डेरिवेटिव डिफाइन करना हो तो g किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड कर रहा है, तो देयरफॉर g का डेरिवेटिव हमेशा हम h के रिस्पेक्ट में ही ले सकते हैं, दिस इज द नेचुरल वे ऑफ टेकिंग द डेरिवेटिव। इसी तरह से h का जब लेंगे हम तो h किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो देयरफॉर d h का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, डी वाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, ध्यान देना, डी वाई डी एक्स निकालना है, डी वाई वाई है क्या, डी एफ है, तो डी एफ डी एक्स निकालना है, लेकिन डी एफ डी एक्स हम सिंपली निकाल तो सकते नहीं है, डायरेक्टली एफ का डेरिवेटिव डायरेक्टली सिर्फ जी के साथ निकल सकता है, ठीक है, और किसी के साथ निकल नहीं सकता है इस फंक्शन के लिए। हम क्या करेंगे, एक तरह से हम अपने से एक मैनिपुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, हम अपने से यहाँ पे डी जी लिख देंगे, लेकिन नीचे dg लिखा है तो ऊपर भी dg लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज बेसिकली रेशियो। होता क्या है, dy dx का मतलब क्या होता है, dy dx का मतलब होता है डेल्टा y by डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, बेसिकली इट्स अ रेशियो। हालांकि ये रेशियो रेशियो की तरह एक्ट, लिमिट लगा देने के बाद ये रेशियो बचा नहीं, पर फिर भी ये dy dx जो है रेशियो की तरह ही एक्ट करता है, इट इज नॉट अ रेशियो। I should make myself clear कि dy dx is a symbol of, it's just a symbol given to the derivative of a function, ठीक है, ये ratio है नहीं, पर ये act करता है like a ratio because ये जो actual में है वो है delta y by delta x as limit delta x tends to zero, तो ठीक है, तो ये act करता है as a ratio, ये ratio है नहीं, it's a symbol, लेकिन ये एक्ट करता है रेशियो, तो उसका एडवांटेज ले रहे हैं हम यहाँ पे, उस प्रॉपर्टी का एडवांटेज ले रहे हैं हम यहाँ पे कि dy dx acts as a ratio। तो यहाँ पे देखो df df dx था, पर df dx को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इफ दिस इज अ रेशियो, इफ df dx इज एक्चुअली कैन बी ट्रीटेड एज df by dx, देन वी कैन मैनिपुलेट इट लाइक df by dg into dg by dh into dh by dx, ठीक है, एक तरह से क्या हो रहा है, ऐसा समझो कि ये और ये अगर कट जाता है, ये और ये अगर कट जाता है, तो एक्चुअली बच क्या जाएगा, df by dx, या कट रहा नहीं है, हम बस बोल रहे हैं आपको कि इट एक्ट्स लाइक रेशियो, देयरफॉर यू कैन इमेजिन कि ये और ये कट सकता है, ये और ये कट सकता है, देयरफॉर यू विल अल्टीमेटली गेट df by dx व्हिच इज व्हाट इट्स हियर, ठीक है, तो ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास आया क्या, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया हमारे पास, डी वाई डी एक्स इक्वल टू आया डी एफ डी जी, तो डी एफ डी जी तो उसका नेचुरल डेरिवेटिव है, एफ का नेचुरल डेरिवेटिव है डी एफ डी जी, तो उसको हम लिख सकते हैं एफ डैश, है ना, क्योंकि अगर डी एफ एफ अगर एक्स का फंक्शन होता, अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स होता मान लो, तो डी एफ डी एक्स को हम क्या लिखते, एफ डैश एक्स लिखते, तो यहाँ पे डी एफ डी जी, जी इज द डोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर डी एफ डी जी क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा ना, पर डोमेन क्या है, जी ऑफ एच है ऑफ कोर्स एफ के लिए, इनटू डी जी डी एच क्या हो जाएगा, जी का डेरिवेटिव है ये, तो जी का डेरिवेटिव पर इसका डोमेन क्या है, जी का डोमेन है एच, इस तरह से डी एच डी एक्स क्या है, एच डैश है, इसका एच का डोमेन है एक्स, ठीक है, देयरफॉर The chain rule actually gives you कि dy dx जो होगा वो होगा f dash of g of h of x, okay, into g dash of hx into h dash of x, यानी कि अब सबसे पहला function से शुरू करो
और डिफरेंशिएट करते चले जाओ। सबसे पहला जो राइट साइड का फंक्शन है, जैसे मान लो आपके पास है एफ ऑफ जी ऑफ एच, ठीक है, तो क्या होगा इसका वाई डैश क्या होगा बेसिकली। सबसे पहले आप राइट साइड से शुरू कर, सबसे पहला फंक्शन से शुरू करो, उसका डेरिवेटिव ले लो, जो अंदर है वो रहेगा वैसे का वैसे ही, ठीक है, अंदर में तो जो डोमेन है वो तो रहेगा ही, इनटू फिर उसके अंदर जाओ, एफ के अंदर जाएंगे अगर हमें तो क्या मिलेगा, जी मिलेगा, तो जी का डेरिवेटिव लो, फिर अंदर जो बचेगा वो जो है वही रहेगा बेसिकली, फिर जी के अंदर जाओ, जी के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एच मिलेगा, तो एच और अंदर जो भी है फिर ये चलता रहेगा ऐसे, लेकिन अंदर यहाँ पे क्या है एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव ऑलरेडी सीन, अगर वाई इक्वल टू एक्स होता तो डिवाइड एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर अंदर जाएंगे भी तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस। तो डिफरेंशिएशन इस तरीके से करना होता है, चेन रूल, दिस इज द चेन रूल, ओके। तो जब जैसे मान लो आपके पास अब मान लो आ जाए एफ, ठीक है, 1 ऑफ एफ 2 ऑफ एफ 3, ऐसा करते करते मान लो एफ एन तक जाता है अल्टीमेटली दिस एक्स, ठीक है, ऐसे कुछ। ये एन फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है, क्या करोगे डीवाई डी एक्स लेने के लिए, डीवाई डी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो सबसे पहला वाला फंक्शन है उसको उसका डेरिवेटिव ले लो, अंदर जो है वो है, दूसरी दूसरे उसके अंदर जाएंगे ये सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर एफ टू का डेरिवेटिव अंदर जो है वो है, फिर तीस अंदर जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप अंदर जाते जाएंगे, ठीक है, फिर एफ फोर आएगा, ऐसे करते करते अल्टीमेटली क्या आएगा एफ एन ऑफ एक्स, ये आपका चेन रूल हो गया, दिस इज योर चेन रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल दिस चेन रूल, ओके, वी विल यूज इट ऑफन, बहुत सारे जगहों पे आपको चेन रूल का जरूरत पड़ेगा, बहुत से जगहों पे आपको चेन रूल का जरूरत पड़ेगा, ओके, आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो ऑफ यूजिंग द चेन रूल। अभी सबसे पहला एग्जाम्पल इसका लेते हैं, टू डराइव अनदर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इस रूल को यूज करके एक अदर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को हम लाते हैं, विच इज कॉल्ड द कोशेंट रूल। वो क्या है, अगर वाई इज इक्वल्स टू मान लो यू एक्स बाई वी एक्स है, अगर वाई एक्स इक्वल्स टू यू एक्स बाई वी एक्स, तो बेसिकली इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में यू बाई वी, या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू इंटू वी इनवर्स, ठीक है, तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, अभी देखो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, यू इंटू वी, वी इनवर्स को एक फंक्शन मान लो, तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो अगर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं हम तो पहले वाले को ऐसे ऐसे छोड़ देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वी इनवर्स, ठीक है, प्लस यू डैश, मतलब डी यू डी एक्स बेसिकली यू डैश लिख रहे हैं उसको हम, इंटू वी इनवर्स, ओके, हम सिर्फ प्रोडक्ट रूल को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अभी देखो ये v इनवर्स ऑफ x है क्या, एक्चुअली u इंटू डी डी एक्स ऑफ u, v इनवर्स है क्या, v इनवर्स है v ऑफ x का इनवर्स, ओके, प्लस बेसिकली दिस इज u डैश इज बेसिकली u डैश ऑफ x, तो ये v इनवर्स है, v इनवर्स को मैसेज होता है v ऑफ x, v इनवर्स में तो 1 बाई v बाई x। अभी देखो क्या चीज़ है, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन v इनवर्स ऑफ वी का इनवर्स बेसिकली, इसको हम कुछ मान लेते हैं अभी के लिए, इसको हमको निकालना है अलग से, इसको अब यहीं पे छोड़ते हैं हम, इसको अंदर निकालना, इसको डिराइव करना है बेसिकली क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हमको ये चाहिए कि वी ऑफ एक्स इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तभी देखो क्या आएगा, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे कि वी ऑफ एक्स को कुछ मान लेते हैं, यू डब्ल्यू मान लेते हैं, ठीक है, w of x is equals to मान लेते हैं v of x का इनवर्स। अभी पावर रूल हम लोग देखा था ना, पावर रूल क्या होता है, y equals to अगर x to the power n होता है तो d by dx क्या होता है, d by dx क्या होता है, n into x to the power n minus 1, this we have seen कि y equals to x to the power n होगा, तो प्रोडक्ट रूल से बेसिकली डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इनटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 आ जाएगा, ओके, सो वी ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1, ये पावर में आता है ना, अगर वी एक्स को हम कुछ मान ले, वी को मतलब वी ही है बेसिकली, तो वी है,
तो इस एक्स की जगह बेसिकली कुछ कुछ टाइम के लिए अगर इस एक्स को वी मान लेते हैं, तो डब्ल्यू डैश मतलब डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, इस पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एन एन यहाँ पे एन जो है ये जो एन है यहाँ पे पहले पहले एन आता है तो ये -1, -1 से पहले बाहर आ जाएगा। अब वी है तो वी एक्स की जगह वी मान रहे हैं बेसिकली, तो एन -1 तो वी टू द पावर -1 -1 ठीक है। लेकिन वी एक्स बेसिकली ये जो एक्स है एक्स की जगह हम वी ऑफ एक्स मार रहे हैं, तो ये एक तो एक चेन बन गया ना, एक वी के अंदर एक्स है, एक्स सीधा अगर एक्स इनवर्स होता तो हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे एक्स हो जाता -1 इंटू एक्स टू पावर -2 हो जाता है, लेकिन एक्स है नहीं यहाँ पे वी है बेसिकली, तो यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा ना। पहले वी ऑफ एक्स को हमको वी ऑफ एक्स को हमको डिफरेंशिएट करना, तो बेसिकली क्या होगा चेन रूल से क्या होगा, पहले वी को डिफरेंशिएट करेंगे फिर अंदर में जो भी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स डैश। यहाँ पे वही कर रहे हैं, पहले वी को डिफरेंशिएट किए लेकिन वी का जो फॉर्म है वो पावर फॉर्म में है, तो पहले पावर रूल लगा के वी को डिफरेंशिएट कर लिए, फिर जो अंदर है बेसिकली वो है वी, ये पूरा चीज एक पावर है, तो इस पावर को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने पावर रूल यूज किया ठीक है। उसके बाद चेन रूल लगा के अंदर गए, हम उस पावर के अंदर गए तो ये वी मिला हमें, तो वी का डिफरेंशिएशन बच गया ना, तो वी का डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल वी 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 डैश एक्स भी हमें लिखना पड़ेगा। नाउ दिस कम्स, दिस इज माइनस, दिस इज वी टू द पावर -2, वी टू द पावर -2 का मतलब हो गया दिस इज 1 बाय वी स्क्वायर ऑफ एक्स और टाइम्स वी डैश एक्स, सो दिस इज वी डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वी एक्स ठीक है का स्क्वायर। तो अभी देखो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल गया, इसका डिफरेंशिएशन मिल गया हमें, तो अभी अगर नेक्स्ट हम निकालना चाहेंगे डी वाई डी एक्स आएगा क्या, तो डी वाई डी एक्स हमारे पास आ गया यू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वी इनवर्स, वी इनवर्स क्या आ गया माइनस वी डैश एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स का स्क्वायर ओके प्लस यू डैश ऑफ एक्स बाई वी ऑफ एक्स ठीक है। अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं, इस वाले का एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा नीचे आएगा वी स्क्वायर एक्स ठीक है, ये आएगा यू डैश एक्स इंटू वी एक्स माइनस यू एक्स इंटू वी डैश एक्स ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास डी वाई डी एक्स जो आ गया, इफ वाई इज इक्वल्स टू यू बाई वी देन व्हाट यू गेट इज डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर ओके, दिस इज द फोर्थ रूल यू हैव, दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन रूल ओके, दिस इज द क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली इतने ही रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। अब अगर समराइज करना चाहते हैं तो समराइज कर सकते हैं उसको, समराइज कैसे करेंगे, समराइज जो हमने सीखा अभी तक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में वो है कि इफ वाई इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी देन वाई डैश इज यू डैश प्लस माइनस वी डैश, दूसरा इफ वाई इज इक्वल्स टू यू इन टू वी देन वाई डैश इज इक्वल टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश, तीसरा इफ वाई इज इक्वल्स टू एफ इंटू जी इंटू एच ऐसे करके है, इंटू एच then you have y is equals to f dash into g dash into h dash ओके। अब ये तीन के लिए हम शो के यहाँ पे n हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जितना जितना भी होगा वो अंदर जाते जाओ, एक शुरू सबसे पहले वाले से शुरू करो एंड देन यू कीप ऑन गोइंग इन साइड टिल यू रीच द वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू विच योर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, उस तुमको एक्स तक पहुंचना है बेसिकली, अंदर जाते जाते एक्स तक पहुंचना है
ठीक है, जब एक्स आ जाएगा तो अपने तो वहां पे जाकर रुक जाना है, ठीक है। तो और फोर्थ बना, अगर वाई इक्वल्स टू आपका यू बाई वी है तो वाई डैश जो आएगा वो आएगा यू डैश वी माइनस वी यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये बेसिकली आपका चार रूल है, ठीक है, यही आपका चार रूल्स है। इसके अलावा एक और चीज़ एक्स्ट्रा देख लिए थे कि अगर अगर कोई पावर है आपके पास, मान लो कि एक्स टू द पावर एन है या कुछ है इस तरह का, तो वाई डैश जो आता है वो प्रोडक्ट रूल का ही पार्ट है बेसिकली, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ओके, ये इसका ही एप्लीकेशन, ये इसका ही एप्लीकेशन, अलग से कोई रूल नहीं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन मेनली ये चार रूल्स है, मेनली यही चार रूल्स है, एक ये, एक ये, एक ये और दिस फोर रूल्स यू शुड नो, यू शुड नो फोर रूल्स। अब इसके एप्लीकेशन से ही बाकी सब कुछ हो जाता है, इसके एप्लीकेशन से ही बाकी सारे डिफरेंशिएशन के, बाकी सारे डिफरेंशिएशन आप इसी चारों की मदद से कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड हाउ दीज रूल्स आर डिराइव्ड, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग एक्चुअल फंक्शंस। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।